गाइस, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सेवन सेंचुरी सुनामी में हेलो व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं महाबलीपुरम। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी ब्रेकफास्ट करना है, एक्चुअली आज तीज है तो मैं नॉनवेज खा नहीं सकता हूँ, तो इसके लिए मैं ब्रेड ऑमलेट नहीं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ जूस पी रहा हूँ और मेरे फ्रेंड ले रहे हैं ब्रेड ऑमलेट। तो बस यहाँ से बस निकल के हम लोग जाने वाले बस स्टेशन, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग महाबलीपुरम के लिए। तो दिस इज अ शॉप कृष्ण, हियर वी आर टेकिंग आवर ब्रेकफास्ट, सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप। एंड महाबलीपुरम इज अ गुड नेचुरल प्लेस इन तमिलनाडु टू विजिट, सो लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग। सो ये है हमारा बनाना शेक डेमन अनवर सर। सो आ गया है ब्रेड ऑमलेट, खाने का तो मन कर रहा है बट खा नहीं सकता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें बहुत भूख लगा है तो इन्हें अपना सारा ब्रेड ऑमलेट दे दिया है। गुड मैन, गुड। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। गाइस, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे फ्रेंड ने ऐसा ही किया, अपना ब्रेड ऑमलेट उसे देकर उसकी पेट भर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसे बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। ऐसे लोग आप लोग देख रहे तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, किसी भूखे लोग को जरूर दान कीजिए और उसे खाना खिलाइए, पैसा नहीं खाना। सीन कुछ ऐसा है, अभी है हम लोग वेस्ट ताम्बरम में। तो गाइस, सीन ऐसा है कि अभी हम लोग महाबलीपुरम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया बस से। चलिए अब महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करते हैं। अब बहुत सारा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है यार, एंड बीचेस आल्सो इज देयर, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। और ये बहुत सारा आपको नकाशी यहाँ देखने को मिलेगा, बजरंगबली, और आपको यहाँ है मुर्गन भगवान और गणपति जी भी हैं। यहाँ आपको हाथ से बनाया हुआ बहुत सारा आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेगा यहाँ। ये छोटे छोटे पहाड़ में भी आपको नकाशी किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं लाइट हाउस दिख रहा है, तो वहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं कुछ देर बाद। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर फाइव रथ टेम्पल। सो वो है, वो रिलेटेड है आपको महाभारत से, पांच पांडव अगर आप स्टोरी जानते होंगे तो। चलिए वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही फेमस है पांच रथ टेम्पल। एंड एज यू कैन सी दिस ऑल माय फ्रेंड्स। सो हम लोग पहुँच चुके हैं पांच रथ। एक्साइटिंग चीज दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टिकट काउंटर, इंडियन ओनली 40 रुपीज एंड फॉरनर 600। वाह, क्या टैक्स लिया जा रहा है। चलो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल फॉरेनर्स वो खासकर इंडिया में आते हैं जरूर, किस लिए, क्योंकि ये जो हमारा जो बनाया हुआ टेम्पल्स बहुत पुराना, वो खासकर हम लोग से ज्यादा देखने लोग यही लोग आते हैं। मेट अ पर्सन ही नोज ऑलमोस्ट ऑल नेसेसरी लैंग्वेज दैट वी नीड हियर, लाइक फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी एंड तमिल, सो ही नो फ्रेंच वेरी वेल। सो इट्स अ ह्यूज थिंग दैट पीपल्स कम फ्रॉम द फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, दे हैविंग नो प्रॉब्लम। दिस एरिया इज लाइक हेरिटेज एरिया, सो मेनी टेम्पल्स इज देयर एंड दे आर वेरी usually to talk there and tell about Indian history and what are the beautiful things in India. So we are hats off to him and we are thankful to him that he used to talk them in their language and say about our India. So it's good. Thank you. तो ये टिकट है, इसके थ्रू हम लोग को एंट्री मिलेगा अंदर जाने का, तो अब चलते हैं इसके अंदर। ये रहा आपका टेम्पल, माय फ्रेंड्स आर टेकिंग फोटोज एंड वी विल गो इनसाइड। सो फाइनली हम लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं, दिस इज फाइव रथ टेम्पल। और आप जितना छोटा छोटा मंदिर देख रहे हो बहुत ही पुराना है, और खासकर बहुत सारे लोग यहाँ फॉरनर्स आते हैं देखने के लिए, इंडियन से ज्यादा फॉरनर्स लोग आते हैं इसे देखने के लिए। तो यहाँ देवी देवताओं का आपको नकाशी मिलेगा अंदर, देख सकते हैं। ये देखने को लग रहा है ये शेर और वो है हाथी, लास्ट टाइम 2015 में आया था तो उस टाइम ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, बट ये सिर्फ, तो ये आज मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। माई फ्रेंड्स आर टेकिंग फोटोज एंड यू कैन सी, ये हमारा इंडिया का हिस्टोरिक प्लेस पे हम लोग हैं अभी। और जितने भी यहाँ आपको सारे टेम्पल्स और जितने भी आपको छोटे छोटे नकाशी देखने को मिलेगा वो बहुत ही प्राचीन है
और बहुत ही दिनों से यहाँ बना हुआ है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं, खासकर फॉरनर्स। दिस इज अ सो अमेजिंग प्लेस। इधर देख सकते हैं, इधर भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। इट्स लाइक अ केव। सो ये प्राचीन कालों के चट्टानों से बनाया गया है। जिस चट्टान से बनाया गया है वो लगता है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ एक बार सुनामी भी आ चुका है। यहाँ पर नहीं, एक्चुअली बीच साइड में आया था। तो इट इज सो हिस्टोरिक प्लेस, इट इज 1 आवर अवे फ्रॉम चेन्नई। और आप इधर भी देख सकते हैं, तो हम लोग इधर से घुसते घुसते और इधर भी निकल सकते हैं। तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जो मैं व्यक्त कर सकूं। और अभी एक्चुअली 8:30-9 बजे आसपास बज रहा है, तो ज्यादा लोग अभी नहीं आए हैं। देख सकते हैं मेरा फ्रेंड कहाँ चढ़ के फोटो ले रहे हैं। I'll go there. Guys, don't forget to check out my other videos, and I have made so many videos like largest beach and the India's largest geological park, that is in Chennai. And guys, if you want to know more about this place, so you can pause the video and read this. So abhi scene aisa hai, hum log badh rahe hain lighthouse ki taraf, jo ki bahut hi bada area hai, aur upar jane ke baad aapko khoobsurat Mahabalipuram ka view milega. To hum log yahan se to nikal chuke hain 5 rath se, aur we are moving towards the lighthouse. So let's go. एंड गाइज आई टेल यू वन थिंग, कि जो एरिया है एक्चुअली में यहाँ पर आदमी बहुत कम है और ये एरिया बहुत क्लीन है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और खासकर यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं है, शांत है पूरा एरिया और मज़ा भी आता है यहाँ घूमने में, खासकर एक्सप्लोर करने की प्लेस को। और मैं इसे पहले भी आया था आपको 2015 में, जो मैं फर्स्ट टाइम चेन्नई आया था। इसके बाद मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ 2018 में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को आना था और वो लोग इस प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं। सो आई एम गाइडिंग देम, ऑल्दो I don't know so many things from this place, but how much I know, I am telling them. तो आप लोग देख सकते हैं कितने बारीकी से काम चल रहा है, और ये जितने सारे भी यहाँ बना हुआ है सारे हैंडमेड है, और खासकर फॉरनर्स लोग आते हैं तो इसे लेना पसंद करते हैं और हम भी पसंद करते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही मेहनत लगता है, हार्डवर्क लगता है इसे बनाने के लिए, एंड सल्यूट देम। एंड इफ़ यू कम हियर, दिस इज़ अ नियर बाय 5 रथ टेम्पल, यू कैन बाय फ्रॉम हियर ऑल्सो, दैट इज नेम ऑल्सो इज गंगा आर्ट्स। थैंक यू सर। अरे गणपति जी। एंड गाइज आई एम टेलिंग यू, इफ यू कम हियर प्लीज डू बाय एटलीस्ट 1 एंड स्मॉल दिस मूर्ति, बिकॉज बहुत मेहनत लगता है। इफ यू कम यू कैन बाय स्मॉल 1 ऑल्सो, सो टू रियली हेल्पफुल फॉर देम, सो इफ यू कम देन बाय। हम आ चुके हैं महाबलीपुरम के सबसे ऊंचाई वाले जगह पे, जो कि है लाइट हाउस। तो हम लोग अभी उसके ऊपर भी जाएंगे, उसके बगल में लाइट हाउस है वहाँ भी जाएंगे, तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं। तो इस जगह का नाम है ईश्वरा टेम्पल। तो यहाँ से जो अभी सीन देखिएगा ना गाइस, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल टू जस्ट सी द व्यू। This is the whole Mahabalipuram area. And even that day I was talking about this, na? This is the place. And guys, for this place I came here. So अभी scene ऐसा है, हम लोग जाने वाले वो temple की तरफ, but वहाँ पर अभी so much crowded. So we'll go later there. It's looking so amazing. Wow, real. Means realistic. If you see, you can't say anything. Means you don't have any word to say about this place. इतने छोटा आपको यहाँ पर कब्जा लगा हुआ है, शायद इसका use होता होगा पहले। देखिए अब वहाँ पर लगा हुआ है, पता नहीं इसका यूज क्या है। और फाइनली अब हम और भी ऊपर जा रहे हैं महाबलीपुरम का। तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलेगा भी बहुत ही सुंदर अमेजिंग होगा। ग
गाइस एक्चुअली वहाँ से आना अलाउ नहीं है, बट हम लोग वहाँ से भी कूद के आ चुके हैं कि लास्ट टाइम हम लोग इस प्लेस पे आए थे और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन फ़ोटो लिया था हमने। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक फ़ोटो लिया जाए, वहाँ देख सकते हैं आपको फॉरनर देखने को मिलेगा। हम लोग वो प्लेस जाने वाले हैं अभी, बट इसके बाद मीन्स इसके बाद हम लोग वहां से आए तो सारे लोग वापस यहां से आ गए। They are following us. And guys, हम लोग उधर से आए हैं और हम लोग नीचे उतर रहे हैं इधर से। And you can see my friend, they already went there, but we won't go there. No, I won't take risk. I want to go back here. तो सीन कुछ ऐसा है, हम लोग जाने वाले हैं लाइट हाउस की तरफ। Guys, it looks so amazing from here. It's a kind of place to shoot film and take a photo. ये लोग हैं जो इस प्लेस को सबसे अच्छा सही सुधार लगते हैं, स्वच्छता अभियान चलाने वाले लोग, इनको सैल्यूट है आपको भी। यहाँ भी ले सकते हैं आपको प्राइस। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आपको पतला आपको रास्ता ऊपर जाने का, ऊपर देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी रीच। सो इतना पसीने निकल चुका है चढ़ते चढ़ते, और अभी इसके आगे और ऊपर चढ़ना है। और शिट मैन, I'll recommend you guys, don't take photos and videos, just feel the moment and enjoy, because we are at the top of the world now. Hey, what about you? What about me? I'm telling you guys, that's why I'm recording. See, that temple is there, that is the Soar temple. We will go there. यहाँ से आपको पूरा महाबलीपुरम का व्यू देखने को मिलेगा, जो कि एक लाइट हाउस व्यू, और यहाँ से आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको समुद्र का पूरा नज़ारा। जैसे देख सकते हैं हम लोग कितने हाइट पे अभी है, वो है आपका लेयर्स डाउन। गाइस वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड फ्रॉम हियर आप देख सकते हैं पूरा आपका महाबलीपुरम का पूरा व्यू मिलेगा, और यहाँ पर भी, और यहाँ आने में आपको बहुत ही तकलीफ लगा है, बहुत ही आपको संकरा जगह था, छोटे छोटे स्टेयर्स है और वहाँ पर बहुत जो स्लाइड डाउन भी हो जा रहे थे। इस पर कुछ लग रहा था कि हम लोग सबसे ऊँचा है, बट हम लोग अभी उससे भी ज़्यादा ऊँचे पे हैं, टॉप ऑफ द महाबलीपुरम। और इसी के थ्रू लाइट यहाँ से पास होता है पूरे लाइट हाउस के द्वारा पूरे बीच में, जो भी आपको सीप आते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10:15, आप लोग देख सकते हैं कैसे जाया जा रहा है। सो इस गरीब Don't play. So sweet, yaar. See, mother. I think she is mother. Sorry, he is father. How cute they are. We are going inside the museum. So let's explore it. We are here inside the museum, so we no need to talk so much. Just I'll show you the what is inside the museum. And this lighthouse got the award of best lighthouse tourism. You can read by pause the video. इस म्यूजियम में सबसे अच्छा ये है एसी। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि ये म्यूजियम में सारा आपको महाबलीपुरम का आपको हिस्टोरिक चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, एंटिक चीज़ें एक्चुअली ये हैं। एंड आई शुड नॉट टॉक सो मच। एंड दिस इज टेलीस्कोप, दिस मच ह्यूज, नाउ डेज वेरी स्मॉल। जब एंशियंट वर्ल्ड था, मैं 7 वंडर्स में जो सेकेंड वंडर्स था वो है आपका लाइट हाउस, एंशियंट वर्ल्ड में, नॉट नाउ। लाइट हाउस में जलाया जाता था, इसी के थ्रू लाइट हाउस चलता था पहले। और ये जो ऑप्टिक क्यू मेरे फेवरेट प्लेस पूरी के लाइट हाउस का है, सो आई एम सो ग्लैड
इट इज हियर एंड आई एम सीइंग दिस वन. वन मोर थिंग्स वी हैव टू सी हियर एंड गाइस दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द म्यूजियम. यहां आपको जितने भी सारे शिप होते थे सबका आपको स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलेगा. This is how inside means there is a control room looks like. See the real photo. This is exactly that thing. Oh yeah guys, this is Titanic ship. Submarine. Pirates of Caribbean. ये भी एक पार्ट है आपका लाइट हाउस का. एंड गाइज जितना भी आप सारा म्यूजियम देखे ये सारा आपको महाबलीपुरम के बारे में और जितने भी आपका पोर्ट है इंडिया में वो सभी और जितने भी मीन्स आपका लाइट हाउस है उसके बारे में है. दिस प्लेस अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड इट लुक्स लाइक ग्रीस कंट्री. दिस इज एपिक सेल्फी. और आम का सीजन अभी तक गया नहीं है चेन्नई में. जन गया नहीं तब भी आम खाने को मिल रहे हैं. नो नो तो आइए तो अब भी जरूर खाइए क्योंकि यहाँ हमेशा आम मिलता है. माय फ्रेंड वेंट इजीली. नाउ माय टर्न. एंड गाइस इफ यू ऑलरेडी कनेक्ट मी इंस्टाग्राम देन यू हैव ऑलरेडी सीन दैट ऑल दोस थिंग्स. एंड इफ यू आर नॉट कनेक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम डू एंड कनेक्ट इट्स क्रिए विद हैंडल. Because I already posted all videos and everything, this all stuff in the Instagram first. Then it's coming on YouTube. Follow that at Kriyaviji. Now we are here at Rajgopuram. अब सीन ऐसा है कि आप यहां से देख सकते हैं महाबलीपुरम सिटी. गाइस ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये सबसे फेमस है यहाँ महाबलीपुरम जिसे कहा जाता है माखन लड्डू जो कि बहुत आपको पुरातत्व मीन्स बहुत पुराने समय से यहाँ पर टिका हुआ है. ये मात्र सिर्फ 4 फीट में टिका हुआ जैसे आपने पढ़ा होगा. तो ये माखन लड्डू इसका नाम है और ये पता नहीं इसमें किस टाइप से टिका है. आप टीवी में भी देख चुके होंगे हिस्ट्री टीवी 18 में भी इसका शो आता है तो आप देख चुके होंगे वहाँ भी. इट्स अ मीन्स इनक्रेडिबल मैन. वो देख सकते हैं कि फॉरनर लोग भी आके ऐसे कितना मजा ले रहे हैं देख रहे हैं. अब टाइम हो गया लंच का तो लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे बीच तो मिलते हैं वहाँ पर. आपसे काइंड ऑफ केव गुफा. And guys, we finally reached Sor Temple. और ये है आपका Sor Temple समुद्र के किनारे. और कहा जाता है कि ऐसे 5 टेम्पल है. जब सुनामी आया तो जो 4 टेम्पल है उसके अंदर चले गए हैं और ये एक टेम्पल बचा है. फाइनली गाइज वी रीच Sor Temple दैट इज अ लॉर्ड शिवा टेम्पल और विष्णु भगवान का टेम्पल है. तो ये आपको जो टेम्पल है बहुत पुराना है और ये 7th century का बना हुआ टेम्पल है. जी हाँ दोस्तों 7वीं शताब्दी का ये बना हुआ टेम्पल है. और एक्चुअली में बोला जाता है कि ये जो टेम्पल है ये सुनामी के अंदर क्यों नहीं डूबा क्योंकि ये जो चट्टानों से बना है वो बहुत ही मजबूत है और इसमें जब सूर्य जब उगता है तो इसमें सूर्य की जो पहली रोशनी पड़ती है वो देखने लायक होता है. और यही टेम्पल है समुद्र के किनारे है. अब इधर भी देख सकते हैं समुद्र है. हम टेम्पल के बहुत पास पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं चेन्नई का बहुत सारा ब्लॉग बना चुका हूं. अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं उसका लिंक आपको चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो ये आप देखिए टेम्पल और इसके पीछे आप देख सकते हैं सामने ये छोटा सा कुआं है. कुआं एक छोटा सा बोल सकते हैं और लास्ट पर आया था पूरा पानी से भरा हुआ था.
और इसी टाइप का पूरा बना हुआ है, पूरा गार्डन टाइप का एरिया है। और जैसे पीछे आप देखेंगे जो घास ना, उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। 5-star होटल की हवा छूट जाते हैं उसे घास को मेंटेन करना, वैसा मेंटेन किया गया है यहाँ। सो दिस इज अ टेम्पल एंड वी आर गोइंग इनसाइड। There is a small correction. I told it's a 7th century temple, but it's not. It's a 6th century temple. And I told 4 temple went inside the water when tsunami came. But ऐसा नहीं है, total 7 pagoda temple था, उसमें से 6 temple tsunami में चला गया। जो 1886 में tsunami आया था, उसके बाद वो सारा temple उसके अंदर चला गया। उसके बाद भी जो आया था tsunami, उसके बाद जो 2004 में आया था tsunami, जो 6 meter height का भी आपको जो tsunami का था height, उसके बाद भी ये स्टील मिल है अभी तक, कितना मजबूत आप सोच सकते हैं। 6 टेम्पल चला जा चुका है पानी के अंदर, सब भगवान की कृपा है। तो ये टेम्पल अभी भी यहाँ पर सही है। एंड फाइनली आ चुके हैं बीच पे। वो कैसे, वहां से वो खुला हुआ था रास्ता, तो वहां से डायरेक्ट आ गए हैं बीच में। और गाइस ये जो बीच है ना, बहुत ही खूबसूरत बीच है यार। क्या ग्रीन ब्लू वाटर, बहुत ही क्लीन बीच है यार। बहुत मीन्स फ्रेश एयर आ रहा है, मीन्स इससे पहले जो मैं बीच गया हूँ लाइक मरीना बीच, उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैमरा बैक करके, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बीच है यार। तो अगर आपको बोटिंग करना चाहते हैं तो वहां से बोटिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आप नहा भी सकते हैं। देख लीजिए उधर भी आपको पूरा स्टोन है, उसके पीछे भी है जहां हम लोग जाएंगे थोड़ी देर के बाद। आई एम गोइंग टू लीव दिस थिंग इन माई मेमोरीज फॉर एवर। एंड गाइज आपको बता नहीं सकता, इतना बड़ा लहर उठा ना कि हम लोग अचानक पता ही नहीं चला। और वहां पर जूता रखा हुआ है, वहां तक लहर चला गया और मेरे सारे जितने शूज था हमारे सबका सारा में बालू और पानी चला गया। अचानक पूरा लहर तेज हो गया था। और हम लोग अभी बीच पे हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बीच है यहाँ का। और बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं महाबलीपुरम से। आज हमारा ट्रिप यहीं पर खत्म होगा थोड़ी देर में। तो बहुत ही भीड़ है क्योंकि आज छुट्टी का है, वेकेशन का दिन था, बहुत सारे लोग आए हैं। और यहाँ का बीच बहुत ही खूबसूरत है और क्लीन वाटर है, और आपको फ्रेश एयर मिल रहा है इधर, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। सो यू जस्ट एंजॉय। Doubted all that I could do, nothing what I need to do. All I can say the word is thank you. Think is what you need to push away from the shore, amongst the waves. Exactly where I wanna be. I am where I wanna be. Remember the stars. And guys, let's finish the video. When my future needed clarity, yes, I needed clarity. So I could see how you'd react. वही टेम्पल है जिसका और नीचे टेम्पल है, सब लोग आ चुके हैं चलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा, और मैं इसका लिंक आपको अगर आप आना चाहते हैं गूगल मैप में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। लगा तो बोलिए आज वैकेशन था गाने लगाते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो। पूरा मैं दिखाया महाबलीपुरम, ये मुझे समुद्र से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है समुद्र में आना। इससे पहले मैं एशिया का लार्जेस्ट बीच का ब्लॉग बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को प्लीज करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू एंजॉय प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड टप टप यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय। वीडियो तो खत्म कर दी है, अब यहाँ से मुझे जाना है उधर, कैसे जाऊँ मंदिर में।